जब तुम्हारी सरकशी बढ़ जाए तुम ये सोचो कि मेरे ऊपर कोई फौज कशी नहीं कर सकता, मेरे ऊपर कोई फौज हमला हमला नहीं हो सकती, मुझे कोई मात नहीं दे सकता, मुझे कोई जेर नहीं कर सकता। मेरे रब की कसम, रब ताला फरमाते हैं वमा यालम जुनूद रब्बिका इल्ला हु। तुम ये समझ बैठे हो कि तुम्हें कोई हरा नहीं सकता, तुम्हें कोई थका नहीं सकता, तुम्हें कोई आजीजू बेबस नहीं कर सकता, तुम्हें कोई जेर नहीं कर सकता, तुम्हारी ताकत इतनी बड़ी, तुम्हारी कुवत इतनी बड़ी नहीं। रब की वो मखलूक तुम्हारे ऊपर मुसल्लत कर दी जाएगी जिसके बारे में तुम जानते ही ना हो। अल्लाह के सिवा किसी को उसका इदराक ही नहीं, किसी को अल्लाह के सिवा उसका इल्म ही नहीं है। वमा यअलमु जुनूद रब्बिका इल्ला हु। तेरे रब के सिवा अल्लाह के लश्करों को कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता। बेहयाई अलग रूज पर है, फर्शकारी, जिनाकारी, बदकारी, अय्यारी, हरामखोरी, चरम बेहयाई तो बदहीन लोग कर रहे हैं, बेगैरत लोग कर रहे हैं, मगर हरामखोरी में वो लोग मुलव्वस है, वो लोग मुब्तला है जो शब और रोज इबादतों में, जिक्र में, नमाज में रहते हैं, थोड़ी थोड़ी चीजों में नियत बढ़ती जा रही है, थोड़ी थोड़ी चीजों नहीं जानते रब के मखलूक को, रब के मखलूक को, रब के उस फौज को सिवाय रब के कोई नहीं जानता कि कितनी तादाद में है, कैसी है, कितनी बड़ी है। अपनी ताकतों पर, अपनी अकल पर, अपनी चालाकी पर, अपनी शातिर दिमागी पर और अपनी कचफहमी और कमअक्ली पर नाज ना करो। रमधागा की ऐसी मार पड़ती है कि देखते देखते ऐसा इंसान निढाल हो जाता है कि देखने के काबिल भी नहीं, देखने के काबिल नहीं रहता इंसान। देखते देखते कैसे सैलाब ने बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को तबाह कर दिया, बड़े बड़े टावर्स बहा कर ले गए, तो कौन सी मखलूक थी। इस्लाम के आर में, दीन के आर में, मुसलमानों के आर में खयानत, गदर, चोरी, डकैती, कबल, लूट, माल, अरे अब क्यों छोड़ेगा, अब क्यों छोड़ेगा। जब तुम किसी का हक मारोगे अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें जमीन में ऐसा जलील आजिज बेबस बेकस करेगा कि तुम देखते ही देखते रह जाओगे ऐसो बेबसी की निगाहों से, मगर कुछ कर नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते। कब किसको अल्लाह बहा दे पानी में, कब किसको अल्लाह उड़ा दे हवा में, कब किसको अल्लाह किसी खतरनाक बीमारी में मुहतला करके उसे बेबस बेकस कर दे, कोई नहीं चाहे। किस चीज पर कर रहा है इंसान, किस चीज पर कर रहा है इंसान, अपनी चालाकी पर, क्या अपनी जो है ये बुरी अकल लगा करके लोगों के माल को लूट रहा है, लोगों के माल को, लोगों को बेवकूफ बना के, हेड़े बना के पेड़ खिला रहा है, इस वजह से ही अपने आप को इतना शाना अकल मत समझ रहा। अरे ना समझो ना, खालो थोड़े दिन के लिए तुम्हारे जिस्म में दवानाई आ जाएगी, कुवत आ जाएगी, गोश्त बढ़ जाएगा, हड्डियां मजबूत हो जाएगी, लेकिन उस मजबूत हड्डियों में अल्लाह तबारक व तआला ऐसा बारीक कीड़ा और जरसूम में पैदा करेगा कि तुम देख भी नहीं सकते, समझ भी नहीं सकते। दवाई बेकार, इलाज बेकार, सब बेकार हो गए, सब बेकार। हराम से अपने आप को बचाओ, हराम से बचाओ अपने आप, हराम कारियां, हराम खोरियां इस हद तक बढ़ चुका है।